हेलो एवरीवन मैं हूं प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं आटे के मोदक की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको बनाना तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी तो सबसे पहले मैंने ये एक पैन रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए और उसमें डालेंगे देसी घी तो आप कोई भी एक मेजरमेंट सेट कर लें कोई भी कप या फिर कोई भी कटोरी तो ये एक कटोरी से मैंने लगभग आधा कटोरी यहाँ पर देसी घी लिया है और एक चम्मच मैंने बचा दिया है तो थोड़ा सा जब घी मेल्ट हो जाए तब उसमें हम डालेंगे ये गेहूं का आटा तो जिस कटोरी से मैंने घी लिया था उस सेम वही कटोरी से मैंने एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा कम कर देंगे और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो एक बार जब थोड़ा सा मिक्स हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और ये देखिए मुझे यहाँ पर इसको भुनते हुए यहाँ पर पूरे चार से पाँच मिनट हो गए हैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है तो अभी और भुनना है तो ये देखिए छः से सात मिनट मैंने इसको भुन लिया है तो गैस की फ्लेम को आप मीडियम ही रखें ज़्यादा ना रखें तब इसमें जो एक चम्मच बचा करके हमने रखा था देसी घी वो इसमें डाल देंगे क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था और यहाँ पर मैंने कटे हुए काजू लिए हैं बिल्कुल बारीक कट करके रखा है मैंने और थोड़ा सा आलमंड्स लिया है यानी कि बादाम लिया है तो आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये नारियल का बुरादा जो मैंने चार से पाँच चम्मच लिया है बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है इस मिठाई में तो इसके साथ इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अब इसके ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है तो अच्छे से ये मिक्स हो गया है तो पूरे मुझे सात से आठ मिनट लगे हैं इसको ये देखिए सात से आठ मिनट लगे हैं इसे पूरा बनने में तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अच्छे तो बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेंगे ये देखिए मिक्सचर हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए तो अब इसमें डालेंगे ये पिसी हुई चीनी तो मैंने पाँच बड़े चम्मच यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं ध्यान रखिए बिल्कुल ठंडा होना चाहिए मिक्सचर वरना चीनी डालते ही ये मेल्ट होने लगेगा और ये हमारे लड्डू बन नहीं पाएंगे मोदक नहीं बन पाएंगे तो हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं और इसको एक थोड़ा सा बाइंड करेंगे तो ये बाइंड भी होने लगेगा तो परफेक्ट है इसका ये जो मिक्सचर है अगर आपको थोड़ा कम लगता है तो आप इसमें एक चम्मच घी और ऐड कर सकते हैं अब इस पर हम मोदक बनाएंगे तो ये मोल्ड में मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया है पहले से ही और इसको हम इस तरीके से बंद करके ही इसके अंदर भरेंगे तो अच्छे से हमें इसमें फिलिंग भरनी है बिल्कुल दबा दबा कर अच्छे से हम भरेंगे जिससे इसका शेप थोड़ा बढ़िया आए तो अच्छे से इसको हम दबा दबा करके भर लेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसको हमें खोलना है ये देखिए एकदम बढ़िया शेप आया है इसका और ये एक हमारा आटे का मोदक बन करके रेडी है तो मैं आपको एक और बना करके दिखा देती हूँ इसी तरीके से तो वापस से थोड़ी सी फिलिंग इसके अंदर हम डालेंगे और अच्छे से प्रेस करते हुए इसको हम भर लेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसको हमें खोल लेना है और ये हमारा एक और मोदक रेडी है तो बस इसी तरीके से सारे मोदक हम रेडी करेंगे तो ये देखिए सारे मोदक हमारे तैयार हो गए हैं तो एक बस मैंने ये लड्डू बनाया है क्योंकि फिलिंग थोड़ी सी कम हो गई थी तो इस चतुर्थी आप भी गणेश जी को खुश कीजिए आटे के मोदक बना करके और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मैं मिलूंगी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।